हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दो ऐसे दिग्गज बैंकों का जो बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा शेयर रखते हैं और अभी ऑलमोस्ट बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये दोनों बैंक हैं प्राइवेट बैंक हैं, आपने अभी तक गैस किया है तो सही गैस किया है। एक है HDFC बैंक और एक है कोटक महिंद्रा बैंक। दोनों ही बैंक एज कम्पेयर टू ICICI या फिर एक्सिस या दूसरे जो फेडरल हो गया, IDFC हो गया, मतलब ये दो बैंक्स का प्राइस बढ़ा ही नहीं है। 3 साल प्लस टाइम हो गया है ये वहीं के वहीं खड़े हैं। एंड जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट वॉचर हैं, सब लोग थोड़ा सा मतलब अमेज भी हैं और एक थोड़ा सा रहते हैं कि एक इरिटेशन सा भी आ गया है ये दोनों स्टॉक्स को देखते देखते। ये 3 साल से वहीं के वहीं खड़े हैं और देखते हैं इनका वैल्यू क्या है, इनका वैल्यूएशन क्या है और ओवरऑल अब इन दोनों स्टॉक्स में आगे क्या हो सकता है। कोटक बैंक में तो अभी एक न्यूज़ आई जो आरबीआई ने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया है, जितने भी मतलब ऑनलाइन इनके क्रेडिट कार्ड से या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे। तो उसके बाद कोटक बैंक काफ़ी नीचे आया बट उनके रिजल्ट अच्छे आए तो वापस अभी कमबैक की कोशिश कर रहा है। तो चलते हैं स्क्रीन्स पे, बाकी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये आ चुके हैं हम लोग। सबसे पहले HDFC बैंक देखते हैं। अभी ऑलमोस्ट 1440 के रेट पे ये ट्रेड हो रहा है और मार्केट कैप है 10,93,000, ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस मतलब अगर देखें हाई लो, 52 हाई और 52 लो, 52 हाई इसका 1750 है और अभी 52 लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ से 80 रुपये नीचे इसका 52 लो है। स्टॉक का पी 17 है जो कि बहुत ही लुक्रेटिव है। एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री में देखें तो इस पी पे बहुत ही कम टाइम पे HDFC बैंक अवेलेबल रहा है। तो ये प्राइस चार्ट आप देख सकते हैं जो पूरा लाइन है, मैं पी लगा देता हूँ। पी का हम लोग पी क्यों देखते हैं, क्योंकि जब भी हिस्ट्री में बड़ी गिरावट आई थी तो HDFC का पी कहाँ तक गया था, तो HDFC का पी गया था 17 तक, कोविड के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी फिर से ये 17 के आसपास मिल रहा है। तो जब कोविड के बाद मार्केट क्रैश हुआ था तब उसका इतना पी था, उसी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है एज पर एज द मतलब अगर पी को देखें, मतलब एज कम्पेयर टू दूसरे बैंक HDFC बैंक इज़ वेरी बिग ब्रांड और वो अभी इस पी पे अवेलेबल, तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक करेगा। ये सब प्रॉन्स हैं और ये सब कौन से हैं, कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.5 CAGR, 23.5 के CAGR से ग्रो हो रही पिछले 5 सालों से। कंपनी हैज मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, अभी रिसेंटली इसका डिविडेंड भी आया था 20 रुपये का ऑलमोस्ट। कंपनी मीडियम सेल्स ग्रोथ इज 16.4 ऑफ 10 ईयर्स, 16.4 से सेल्स ग्रोथ इसकी 10 साल से बनी हुई है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.8 बुक वैल्यू, आई डोंट थिंक ये कोई नेगेटिव पॉइंट है, इट्स नॉर्मल थिंग। कंपनी हैज लोएस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट रेशियो इसका थोड़ा कम है। टैक्स रेट सीम्स लो, टैक्स रेट भी इनका कम है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, इनकी लाइबिलिटीज हैं 18,22,300 के समथिंग, 18,22,300 CR के आसपास। अन इंक्लूडेड अदर इनकम 1,24,300 करोड़ के आसपास। ये सब नेगेटिव पॉइंट्स है, ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है, बट ओवरऑल दिस बैंक इज रॉक सॉलिड। ये बैंक ऐसा नहीं है कि सपोज अभी चुनाव के रिजल्ट भी आ रहे हैं तो ये गिरेगा नहीं, उतना नहीं गिरेगा। अगर चुनाव के नतीजे अपोजिट भी आते हैं, सपोज BJP नहीं भी आती है, तो ये बैंक इतना नहीं गिरेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका है। ये दूसरे बैंक्स के पी में ICICI से भी इसका कम है पी। एक्सिस अभी रिसेंटली काफ़ी ग्रो हुआ है तो एक्सिस का भी पी थोड़ा सा अट्रैक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ICICI, एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक देखेंगे तो इसका पी 17 है जो कि काफ़ी लुक्रेटिव है। अभी आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे। कोटक महिंद्रा बैंक मार्केट वैल्यू में ऑलमोस्ट 1/3 है HDFC बैंक का, 3,27,000 करोड़ का मार्केट वैल्यू है। करेंट प्राइस इसका ऑलमोस्ट 1650 चल रहा है और इसका भी पी देखते हैं।
भविष्य में कौन से पीई पे था और अभी किस पीई पे मिल रहा है, वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कोटक बैंक का पीई तो बहुत ही मतलब हमेशा हाई रहा है, और अभी ही सबसे कम पीई पे, मतलब अगर 5 साल में बात करें सबसे कम पी अभी कोटक बैंक का है पिछले 5 साल में। इसमें कोविड भी आ गया, सारे फॉल्स आ गए। 10 साल की बात करूं, 10 साल में भी सबसे सस्ता कोटक बैंक अभी आपको मिल रहा है। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में इतना सस्ता कभी नहीं था। अब मैक्स करता हूँ तो ये है ऑलमोस्ट 2008 में अवेलेबल था इससे कम पी पे, और उसके बाद डायरेक्टली अभी अवेलेबल है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। मतलब आप खुद सोचिए कि जो स्टॉक 10 साल में सबसे कम पी पे अभी अवेलेबल है। हाँ गवर्नमेंट ने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया है, उसका थोड़ा सा इनके ऊपर फर्क पड़ा है, बट ओवरऑल आरबीआई ने जो एक्शन लिया उसी का ये आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट ओवरऑल मतलब ये ठीक है, अभी एक्शन लिया है, ये बाउंस बैक भी करेगा क्योंकि अच्छा बैंक है और छोटा मोटा बैंक नहीं है। और इन्होंने डोनेशन भी दिया है गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को इन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के जरिए डोनेशन भी दिया है। जो इनके ओनर है उदय कोटक ने, उसका भी एक पॉजिटिवली ले सकते हैं, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो दिस बैंक कैन बाउंस बैक इमीडिएटली। जिस दिन 4 जून में रिजल्ट आएगा, 4 जून को ये बाउंस बैक कर सकता है। प्रॉन्स क्या है इसके, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू गिव गुड क्वार्टर्स। अच्छे क्वार्टर आए थे इसलिए इसने बाउंस बैक किया था। मतलब जब आरबीआई का एक्शन हुआ था तो ये ऑलमोस्ट बहुत ही नीचे आ गया था। मतलब आप पकड़ लीजिए कि अभी 100 रुपये बढ़ा है, 1550 तक आ गया था, बट अच्छे क्वार्टर्स दिए तो फिर से आ गया बैंक ऊपर। कंपनी ने डिलीवर गुड प्रॉफिट, 20.4 से 20.4 के सीएजीआर से ग्रो हो रहा है। इसके नेगेटिव क्या है, 2.9 बुक वैल्यू है, कोई बड़ी बात नहीं है। कंटिजेंट लाइबिलिटी 5 लाख की है, अन इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 38,000। तो ये आई डोंट थिंक इतने बड़े नेगेटिव है, ये हर बैंक की होती है कंटिजेंट लाइबिलिटीज, तो इसकी भी है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये कोटक बैंक अभी इन टर्म्स ऑफ पी सबसे सस्ता अभी मिल रहा है 10 साल में। तो बाकी मैं इनके नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ, अगर निफ्टी 50 की बात करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ अभी चल रहा है डिस्कशन की कौन से स्टॉक 4 जून को बाउंस करेंगे या क्या हो सकता है। तो इनका हम लोग नेट इनकम ही देख लेते हैं। नेट इनकम ये आ गए, नेट इनकम का मैंने ओपन किया, ये निफ्टी 50 के स्टॉक से। इसमें सबसे ज्यादा नेट इनकम कौन सी कंपनी करती है, वो रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड आप सबसे ऊपर देख रहे हैं। तो इसका पी है 28 का, उसके बाद है स्टेट बैंक जो 65,000 करोड़ की नेट इनकम करती है, उसका पी है ऑलमोस्ट 11.5 के आसपास। और उसके बाद प्राइवेट कंपनी इसमें आती है एचडीएफसी बैंक जो कमाती है 64,000 करोड़, उसका पी 18 का, जो कि हमने देखा 17-18 का। इस वेबसाइट टू वेबसाइट थोड़ा सा ये आगे पीछे का काउंट करते हैं डेट की, तो 17-18 का पी है, विच इज द मतलब अभी अगर देखा जाए रिलायंस के कंपेरिजन, रिलायंस के ऑलमोस्ट सेम ही इसका प्रॉफिट है, बट रिलायंस का मार्केट कैप है 19 लाख करोड़ और इसका मार्केट कैप है 10.5 लाख करोड़। तो कितना डिफरेंस है, प्रॉफिट सेम है, मार्केट कैप में कितना डिफरेंस है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसी में आप लिस्ट में आगे जाएंगे तो आपको कोटक बैंक में दिख जाएगा इजी। मैं आपको इसमें कोटक बैंक का भी दिखा देता हूँ, ये कोटक बैंक ज्यादा नीचे नहीं है, 17वें नंबर पे निफ्टी 50 के, जिसका प्रॉफिट है 18,000 करोड़। तो आप खुद सोच सकते हैं कि दूसरी कंपनी इसका पी, अभी आईटीसी का पी है ऑलमोस्ट 30 का, आईटीसी के ऑलमोस्ट बराबर कोटक बैंक भी प्रॉफिट करता है, बट आईटीसी का मार्केट कैप कितना है, 5.25 लाख करोड़, तो कोटक बैंक का अभी 3.25 लाख करोड़ ही है। तो ऑलरेडी इन दोनों बैंक्स में अपसाइड है। हाँ हो सकता है कि मीडियम टर्म में ऊपर नीचे हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कोटक बैंक ने जो हाई बनाया था नवंबर 2020, उस हाई को भी अभी तक मतलब उसी रेंज में ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए, उसी रेंज में कोटक बैंक घूम रहा, एचडीएफसी बैंक घूम रहा है। और कोटक बैंक का भी सेम सिनारियो, कोटक बैंक का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कोटक बैंक ने भी जो हाई बनाया था
नवंबर 2020, उसी रेंज में घूम रहा है। ये 4-5 साल, 3-4 साल आपको उसी रेंज में मिल रहा है, और अभी जो पॉइंट पे मिल रहा है, यहाँ पे हमेशा स्ट्रांग सपोर्ट है ही है। कोटक बैंक का भी, एचडीएफसी बैंक का भी है, कोटक बैंक का भी है, दोनों का आप देखेंगे। तो ये मेरी कोई राय नहीं है, आप अपना भी एनालिसिस कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद ये दोनों बैंक एक बाउंस बैक करेंगे, और ये जो फॉरकास्ट है कोटक बैंक एचडीएफसी बैंक का ऑलमोस्ट 1870 का है, और कोटक बैंक का भी देख लेते हैं, 1870 इसका है और उसका भी 1870 है। दोनों का फॉरकास्ट जो ट्रेडिंग व्यू पे आ रहा है, ऑल दो ये जा सकते हैं और ज़्यादा भी नीचे, 1444 का इसका सपोर्ट है एचडीएफसी बैंक का, और कोटक बैंक का 1530 का है। तो दोनों बैंक एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एक साथ ही ठुकाई हुई है दोनों की, और एक साथ ही अभी हो सकता है कि बढ़ेंगे। न्यूज़ देख लेते हैं, अभी रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए, ऑनलाइन वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए, तो कुछ ना कुछ इनका चलता रहता है। बड़ी बैंक से एंड एचडीएफसी बैंक 7% टोटल स्पेंडिंग खर्च करता है आईटी पे, जितना भी इनका सेटअप है आईटी का, और कोटक बैंक के अगेंस्ट अभी जो एक्शन हुई थी उसमें आईटी का ही, मतलब जो भी उनसे आईटी मैनेज नहीं हो रहा था, बार बार उनका ऐप और वेबसाइट हैंग हो रही थी, तो अभी उसके ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। तो बड़ा बैंक है, अभी आप 17,000 करोड़ वो कमाते हैं, तो आप खुद सोचिए वो कितना पैसा खर्च करेंगे। और ऐसा नहीं कि आज के बैंक हैं, इनका हिस्ट्री है, बड़ा हिस्ट्री है और कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बैंक्स बाउंस बैक कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको दिखाया कि कितने लुक्रेटिव अभी ये अवेलेबल है, और आगे भी इनमें अच्छी जंप आ सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट मिली हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपका क्या व्यू पॉइंट है इन दोनों बैंक्स के ऊपर वो भी आप बताएं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।